ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, बस आग का दरिया है, डूब के जाना है। ईशा अभी बहुत हो गया, प्लीज़ अभी बहुत हो गया, जस्ट क्लियर कर दो एक बार। अभिषेक को पसंद करती हो तो अभिषेक की तरफ चली जाओ, वो जो समर्थ आया है अगर उसे पसंद करती हो तो बोल दो कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इस तरीके से लोगों को हवा में लटका के रखना और सिर्फ एक्सक्यूज़ देना कि ये तो मेरा दोस्त है, नहीं मैं तो इसे दोस्त मानती हूँ, अरे पर उस पर क्या बीतेगी, उसकी तो हालत ख़राब हो रही है। उसने तो सबसे पहले तो अभिषेक ने वो सब वीडियोस देखे, तो वीडियो देखकर वो इमोशनल हो गया और उसके बाद ही बॉम्ब फूटा। देखो कैसा है ना, मतलब बिजनेस टीआरपी कैसा है कि एक बिग बॉस ने क्या चीज़ रखी, सबसे पहले अभिषेक के इमोशन के साथ खेला गया और उसके बाद वो जब खुश हो गया वो वीडियो देखकर वो रोने लगा, उस वक्त धप करके बॉम्ब फोड़ दिया। ये टीआरपी, ये मसाला बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बिना पैसे नहीं बनते, पर इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर ये सब चीज़ें नहीं बताते, ठीक है, माना मैंने कि आपने मसाला टीआरपी के लिए बताया, बट ये सब चीज़ें अगर आप नहीं बताते और कुछ अलग ही चीज़ें करते और उसकी एंट्री कर देते तो अभिषेक जो इतना ब्रेकडाउन हुआ कल होने वाला है, जो अभिषेक को जो इतना बुरा लगा, मतलब जो अंदर से फीलिंग आई, वो जो सच्चा प्यार करता होगा ना वही समझ सकता है कि उसे क्या फीलिंग आई रहेगी। तब नहीं करना चाहिए था बिग बॉस ये, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए थी कि भाई बैठे हैं सब और उसकी एंट्री हो गई, पहले सब दिखाया उसे अच्छी अच्छी चीज़ें और उसके बाद अचानक ठप करके छीन लिया। समझ सकता हूँ मैं कि अभिषेक के दिल पर क्या बीती होगी। और ईशा, वो जो समर्थ आया है, जब वो क्लियर कह रहा है कि भाई वो तेरा बॉयफ्रेंड है, तो मतलब वो क्यों, वो क्या ऐसे ही कह रहा है? हाँ अब चलो ठीक है, हम चलो ईशा को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं क्योंकि आगे की स्टोरी हमें नहीं पता है, ठीक है, तो ईशा को भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। पर अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने आज जो कहा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्यों मेरा नाम लेकर आया है, तो फिर ईशा तुम बहुत गलत दिखने वाली हो। तो अगर बॉयफ्रेंड है ना तो सब बता देना कि हाँ बॉयफ्रेंड है, और सिर्फ एक को सिलेक्ट करो और दूसरे के पास मत जाना, बात भी मत करना, वरना मैंने जैसे कहा सामने वाले को तकलीफ़ होगी, ऑलरेडी वो तकलीफ़ में आ गया है। अब बिग बॉस की गेम है ना बहुत अलग हो गई है, अब ये ट्रायंगल हो गया, एक ही घर के अंदर इतना टाइम रहना, अब सिर्फ ये सोचो कि समर्थ और अभिषेक की कितनी बार लड़ाई होने वाली है, एक लड़ाई तो कल ही देखेंगे हम। एक बात है अच्छा कि सामने भी बंदा ऐसा है जो भेड़ सके, बट एक बात बताता हूँ, जो इश्क में टूटा रहता है ना, अब वो क्या किसी से झगड़े में उससे जीतना, मतलब वो ऑलरेडी टूटा हुआ है इश्क के अंदर, वो लड़ेगा तो भी अंदर से दिल तो टूटा हुआ ही है। तो ये अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अभिषेक को ऊपर वाला हिम्मत दे कि वो ईशा को भूल सके। अगर ईशा का वो जो आया है समर्थ सच में अगर वो उसका बॉयफ्रेंड है तो, और विकी भाई आपने अंकिता को क्या बोला, समझना आपने अंकिता को क्या बोला, तू ऐसा आके मुझे पूछ रही है टाइम है क्या, बात करोगे तो अभी तुझे बात करना है क्या नहीं करना है। अब वो अंकिता थोड़ा रोट रही है और बोल रही है ठीक है चलो अभी नहीं करना है बात, और वो वहाँ पर जाकर बैठी, ठीक है, वो वहाँ पर बैठी है, कैमरा उसके ऊपर है और इस तरफ दिखा रहे कि आप सना के साथ हंस हंस के बात कर रहे हो। विकी भाई वो आपकी वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ है ना, हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाइयाँ हो, वो लोग एक दूसरे से अलग हो, पर जब वाइफ की पोजीशन ये है कि वाइफ को अंदर ही अंदर बहुत सैड फीलिंग आ रही है, अंदर ही अंदर वो डिप्रेस से एक अलग जोन में जा रही है, एटलीस्ट उस वक्त चलो वाइफ के नाते नहीं, बट आप कैसा किसी को प्रॉब्लम होती तो हर जगह पर जाते हो, उस वे में तो एटलीस्ट उसके पास जाओ। आप जब भी जाते हो आप बस चार्ज होने के लिए रेडी रहते हो। आपके साथ वो अंकिता बात कर रही थी तभी भी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, चल तू ये बता तेरा एक्सप्रेशन मेरे को क्या पता कैसे, अरे किस तरीके से बात कर रहे हो विकी भाई उनके साथ। अंकिता है ना अंकिता, आप अंकिता को जितना प्यार करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा अंकिता आपसे प्यार करती है, क्योंकि अगर वो इतना प्यार नहीं करती रहती ना तो इतना बोझ लेती नहीं आपसे। आप जितना मतलब जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो मालूम है, क्या करना है तुझे चल बोल चल, मतलब ये किस तरीके से दिख रहा है मालूम है, आप किस तरीके से जा रहे हो, ठीक है चल मैं ऐसा हूँ, ठीक है अब बोल तो आगे बोल तो क्या करना है, हाँ ठीक है आगे।
तो ये सब समझ में आ रहा है ऑडियंस को, तो आप ट्राई करो कि आप भी के हिसाब से थोड़ा सी सामने वाले को समझो। सामने वाले को तो पता चल गया है कि भाई आप ऐसे हो, तो वो भी पूरा ट्राई कर रहा है आपके साथ मैचअप करने की। और ये घर ऐसा है जहाँ पर दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, आपको ये कोशिश करनी है कि उसका जब दिमाग ऊपर नीचे है तो फिर आप उस वक्त शाउट क्यों कर देते हो। आप उस वक्त समझो कि हाँ अगर अब ये जोन में नहीं है तो अभी बात नहीं करते। तो ये सब चीज़ें आप अगर समझ लोगे ना विकी भाई, तो आप दोनों का है ना रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा आपको समझना है और वो भी समझेगी। अब अरुण और तहलका, आज है ना आपको सिग्नल दे दिया गया है कि अभी आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, और आप लोगों में है वो चीज़, आप वो चीज़ कर सकते हो। फ्रंट फुट पे आ जाओ और खेलो। अभी अभी तो प्लेयर्स बड़े हैं, अभिषेक अभी तो लव ट्राइंगल है, फिर कपल के अंदर नील और ऐश्वर्या का भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चलते रहता है। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें ला सकते हो, कॉमेडी भी ला सकते हो, रिएक्ट भी कर सकते हो। तो अरुण भाई आपसे भी बहुत एक्सपेक्टेशन है, तहलका भाई आपसे भी बहुत एक्सपेक्टेशन है। आए हो तो कुछ करना है। नई कंटेस्टेंट आई है, अब उसे मुनावर का रोना फेक लगा कि वो कैमरे में देख के रो रहा था, बट एक्चुअली मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा है। ऐसा नहीं है कि मैं मुनावर की साइड ले रहा हूँ, मैं मुनावर का फ़ैन हूँ, मुझे चाहिए मुनावर जीते। वो आया है तब से पता नहीं क्या चीज़ उसके सर के अंदर है, पर वो थोड़ा लो लग रहा है, ठीक है। इस वजह से है ना वो कुछ सोचता है ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुनावर को एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी अपना नाम बना लिया है। अगर वो कुछ करे या ना करे भी ना, तो भी वो एंड तक जाने वाला है। तो मुनावर को आई डोंट थिंक ये सब चीज़ें कर कुछ वो चाहिए। और मुनावर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करता है कि ज़्यादा किसी को हर्ट करना है। अभी तक जो है वो सिस्टमेटिकली जा रहा है। उसका सिर्फ एक बार खानजादे से झगड़ा हुआ था, उसके बाद भी सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो आने वाले दिनों में खानजादी और विकी ये दोनों का झगड़ा होगा, अंकिता और ईशा का भी होता जो आज चीज़ें हुई, पर अब ये लोग का आपस में ही चलने वाला है। ईशा समर्थ, शायद समर्थ ही नाम है उसका, और अभिषेक, इनका आपस में ही चलने वाला है। तो यही इन तीनों को ही देखने के लिए मज़ा आने वाली है, और इसके बाद मुनावर और खानजादी की फ्रेंडशिप देखने के लिए मज़ा आने वाली है। अरुण और तहलका देखते हैं। अनुराग ओके, सुनिया चली गई। वो रणवीर और दीपिका का एक वीडियो वायरल हुआ, मैं मतलब ऐसे ही मैंने देखा और मैंने उस पर अपना थोड़ा सी रिएक्शन दिया है। आप जाकर देखना, मिस्ट्री स्टोरी भी देखना, दूसरे वीडियोज़ भी देखना, वरना जो मेरा वीडियो रोज़ फॉलो करेंगे बोलते होंगे कि यार ये रोज़ क्यों बोलता है, मेरे चैनल पर जाओ। बट बहुत सारे लोग पहली बार देखते हैं इसलिए बोलता हूँ, और इसके अलावा ये चीज़ तो मैं रोज़ बोलने वाला हूँ। अगर आपको ये ना सुनना हो तो आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, बट जो नए आते हैं और आप भी हो तो आप भी अगर ये रोज़ सुन लोगे ये बात, तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर ये चीज़ें रहेगी। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। ये मत सोचो कि प्यास नहीं लगी है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, बहुत ज़रूरी है 6 से 8 ग्लास। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।